भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में भाजपा कार्यकर्ताओं की रिहाई को लेकर रोष जताया गया है। साथ ही उनको निशर्त रिहा करने की मांग भी उठाई गई है। आपको बता दें कि उत्तर पाटन मंडल अध्यक्ष लोकमणि चंद्राकर, सांसद प्रतिनिधि राजा पाठक, भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र सेन को मंगलवार को अमलेश्वर पुलिस द्वारा जाम गांव की शराब दुकान लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में आज सांसद विजय बघेल की अगुवाई में पाटन विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने हजारों की संख्या में पंचायत पाटन के सामने एकत्रित हुए, जहां पर सांसद विजय बघेल एवं वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे पाटन के हर गली मोहल्ले में उनके सिपाह सलाहकार द्वारा भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है, जिसको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान सभी जगह की दुकानें बंद थी, लेकिन जाम गांव का शराब की दुकान खुली हुई थी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित अन्य क्षेत्र के हजारों लोग आ रहे थे। महामारी को फैलाने से रोकने के लिए शराब दुकान को बंद करवाने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया था, लेकिन प्रदेश की सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं पर झूठा मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बघेल ने कहा कि जेल में बंद कार्यकर्ताओं को निशर्त रिहाई नहीं होने पर भी आमरण अनशन पर बैठेंगे। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.